हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुपम यादव एंड आई वेलकम यू ऑल टू क्लास फिफ्थ मैथ्स. ओके, सो इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हाउ टू सॉल्व सम क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ आर इंक्लूडेड. सो इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक एंड वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट सम वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर ऑन योर ग्रीन बोर्ड. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है, बिकॉज मैं पहले ही ऐसे क्वेश्चन को आपको बता चुका हूँ. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, सो लेट्स सॉल्व. ठीक है, सो देखो द फर्स्ट स्टेप इज दैट देयर इज ऑल द फ्रैक्शंस आर इन मिक्स फ्रैक्शन. सो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द मिक्स फ्रैक्शंस आर इन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, तो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट दिस वन. सो 3 4 12 एंड प्लस 1 13. सो 13 upon 3. Then we have to put minus sign. Then 4 2s are 8 and 8 plus 3 11 upon 4. Okay, then we have to plus sign. Then 5 6 are 30 and plus 1 31 upon 6. Okay, so we convert all the mixed fraction into a improper fraction. Now the second step is that you have to find the LCM of all the denominators. So LCM of 3, 4 and 6. So 3, 4 and 6 ka aap LCM nikaloge by division method. Now you have to take the smallest number which can divide at least two of them. Kam se kam do numbers ko divide kar de, aapko ek aisa number lena hai sabse chota. So 2 will be the number which can divide 4 and 6 both. So 3 ko nahi divide karega, so you can write as it is. So 2 2's are 4, you will write 2, and 2 3's are 6. Now you have to take once again the number that is 3. Okay, so 3 1's are 3, 2 and 3 1's are 3. So finally what will be the LCM? That is product of 2 into 3 into 2 into 3 into 1 into 2 into 1. It is not compulsory to write 1. So what you will get, that is 2 3's are 6 and 6 2's are 12. So 12 will be your LCM. So LCM of 3, 4 and 6, what you will get, that is 12. आपको LCM निकाल लिया. फिर से रिपीट करते हैं इसको. देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था ये. ठीक है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ दिए हुए हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज दैट कि फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि जितने भी मिक्स फ्रैक्शन है उनको क्या कर लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट टू फाइंड द LCM ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स. सो हमने क्या किया, LCM फाइंड कर लिया ऑल द डिनोमिनेटर्स का. ठीक है, नाउ आगे का स्टेप आपको पता है, दैट इज कि आपका जो LCM निकला होता है, जो LCM आप फाइंड आउट करते हो वही आपका डिनोमिनेटर हो जाता है. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो भी आप LCM निकालते हो वो क्या हो जाता है, आपका डिनोमिनेटर हो जाता है. ठीक, नाउ क्या करना होता है, फिर इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. ठीक है, सो वी विल डिवाइड 12 बाई 3, यू विल गेट 4 एंड 4 का मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे. सो 3 into 4. Then what is the sign after that? Negative sign. So you will put negative sign. ठीक है, minus का sign. Then once again you will divide 12 by 4, you will get 3 and आप 11 का multiply किससे करोगे, 3 से करोगे. ठीक है, now once again you will divide 12 by 6, you will get 2. अच्छा उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, plus का sign है, so you will put addition का sign, that is plus का sign. ठीक है, now after that you have to divide 12 by 6, you will get 2 and 31 का फिर आप 2 से multiply कर दोगे. So 31 into 2. ठीक है, now pause the video and multiply it. Please pause the video and solve it from here. Okay, so what you will get, 13 4s are 52. ठीक है, now minus 33 and plus 62 divided by 18. ठीक है, now according to board marks, firstly you have to add the numbers. So for 52, when you add 52 and plus 62, ठीक है, so पहले आप 52 and 62 को add करोगे. ठीक है, so what you will get, 2 2 4 and 6 11 minus 33 divided by 18.
सॉरी 12 है ना एलसीएम, सॉरी यहाँ पे 12 होगा एलसीएम, मैंने गलती से 18 लिख दिया, सो 12 विल बी द एलसीएम. नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्ट बोथ द नंबर्स, सो व्हाट यू विल गेट दैट इज 1 एंड 8, 18 अपॉन 12. नाउ हियर यू कैन सी दैट 18 अपॉन 12 इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है. सो 81 अपॉन 12 इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सो वी विल कन्वर्ट इन टू अ सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है. सो फर्स्टली वी विल डिवाइड बोथ द नंबर्स बाई 3, बिकॉज 3 दोनों नंबर्स क्या करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे. सो 81 को आप 3 से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 27, एंड अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 4, ठीक है. सो इट विल बिकम योर आंसर, एंड यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस इंटू अ मिक्स फ्रैक्शन. सो आई होप कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन. यू हैव टू डू नथिंग, ओनली यू हैव टू कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इंटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स, एंड द फर्दर प्रोसीजर यू ऑलरेडी नो बिकॉज यू ऑलरेडी डिस्कस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन अवर प्रीवियस वीडियोज. सो मूव टू फर्दर. Now we will do some word problems which is based on addition and subtraction of fraction. Okay, we will take one example how to do it and we will solve it. Okay, now let's take a question, that is okay. So the question is, what must be added to 4 holes 5 upon 6 to make 5 hole 2 upon 9, ठीक है. बोला क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में कि 4 होल 5 अपॉन 6 में ऐसा हम क्या ऐड कर दें कि 5 होल 2 अपॉन 9 आ जाए, ठीक है. इसको ना समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. सो द एग्जाम्पल इज वॉट मस्ट बी एडेड टू 9 टू मेक 12, ठीक है. अगर मैं यही क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि वॉट मस्ट बी एडेड, ठीक है, वॉट मस्ट बी एडेड टू 9, आप अगर 9 में ऐसा क्या ऐड कर दो कि क्या हो जाए टू मेक 12, उसको 12 बनाने के लिए, तो आप सिंपली क्या करोगे कि आप क्या करोगे 12 में से, दैट इज आप 12 जो नंबर है उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर 3. सो आप बोलोगे सर 3 वो नंबर है जो कि हम 9 में ऐड कर दें, सो हमारा नंबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा. तो प्रोसीजर क्या हुआ आपका, आपने क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया. सब्ट्रैक्शन कैसे किया, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर दिया. यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है बच्चा, ठीक है. सो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड कि इन दोनों में लार्जर नंबर है कौन सा, ठीक है, लार्जर नंबर है कौन सा. सो फॉर दिस वी हैव टू चेक कि होल पार्ट किसका बड़ा है, ठीक है. आपको पता है कि हाउ टू चेक कि कौन सा नंबर लार्जर है एंड कौन सा नंबर क्या है स्मॉलर है, ठीक है. सो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट देम इंटू अ इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है. सो फोर होल 5 अपॉन 6 इज द फर्स्ट नंबर, सो वी विल कन्वर्ट इंटू अ मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 4 6 आर 24 एंड दिस इज 24 एंड 5 दैट इज 29 अपॉन 6, ठीक है. नाउ द सेकेंड नंबर इज दैट इज 5 होल 2 अपॉन 9, सो 45 एंड 2 47 अपॉन 9, ओके. सो हियर बोथ द नंबर्स आर गिवन हियर, सो ऑलरेडी वी कन्वर्ट इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू हैव टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस विच इज गिवन इन द मिक्स फ्रैक्शन, अगर आपके पास दो मिक्स फ्रैक्शन है उनको कंपेयर करना है कि विच नंबर इज स्मॉलर एंड विच फ्रैक्शन इज लार्जर, सो ऑलवेज कंपेयर देयर होल पार्ट. जिसका होल पार्ट लार्जर होगा ना वो नंबर क्या होगा, लार्जर होगा. ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है. सो यहाँ पे 5 क्या है, लार्जर है, सो 5 होल 2 अपॉन 9 विल बी द लार्जर नंबर, ठीक है. सो 5 होल 2 अपॉन 9 दैट इज 47 अपॉन 9 will be the larger number. So हमेशा हम क्या करते हैं कि larger number that is 47 upon 9 में से आप 29 upon 6 को subtract करते हो. Now आगे का procedure आपको पता है, you know the procedure how to solve it. So please solve it, ठीक है. Please pause the video and solve it. The resultant, जो आपके पास result आएगा, ठीक है, जो आपके पास result आएगा वही आपका result आप इसमें add करोगे, so you will get 5 4 2 upon 9. I hope you will get the answer, ठीक है. And please comment the answer in the comment box, ठीक है. Please tell me the answer, what will be the answer in the comment box. So this is all about today's class. Thank you so much and have a nice day.